शिक्षा ग्रहण करने जा पहुंचे। गुरुदेव पढ़न गए रघुराई, गुरुदेव पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए, अल्प काल विद्या सब पाए। गुरु देव पढ़ गए रघुराई। महामुनि वशिष्ठ ने उन्हें शास्त्रों की उचित शिक्षा दी, दर्शन, अध्यात्म, ज्योतिष, राजनीति, कोई भी विषय अछूता नहीं रहा। शीघ्र ही बालकों ने चारों वेदों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात गुरुदेव वशिष्ठ ने उन्हें शस्त्र शिक्षा के लिए आचार्य के साथ अभ्यास करने हेतु भेज दिया। गुरु की आज्ञा पाकर चारों युवक शस्त्र शिक्षा के अभ्यास के लिए गुरु को प्रणाम कर आचार्य के साथ अभ्यास भूमि में चल पड़े, जहां उन्हें युद्ध कलाएं सिखाई जाएंगी और भविष्य के राजाओं का निर्माण किया जाएगा। आचार्य महामुनि की आज्ञा पाकर राजकुमारों को अपने साथ अभ्यास हेतु लेकर चल देते हैं। किशोर अवस्था के राजकुमार आचार्य के साथ अभ्यास करने, शस्त्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने आचार्य के पीछे पीछे जा रहे हैं। शास्त्रों में निपुण और शस्त्र शिक्षा में प्रवीण होकर आर्यव्रत का भविष्य निर्माण होने वाला है। गुरुदेव ने शस्त्र शिक्षा का अभ्यास आरंभ कराया। सर्वप्रथम शस्त्रों को सही तरीके से पकड़ने का अभ्यास कराया और उनका प्रारंभिक ज्ञान दिया। Shiva Ram Mantrayam Neeradhi Dharamo Vitriya Runani
द्वयम् निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूप सन्ततं भजे राममर्त्यम् तरह से शारीरिक बल में निपुण शस्त्र शिक्षा में प्रवीण होकर राजकुमारों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और पुनः आश्रम की ओर प्रस्थान किया। हे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अब चारों राजकुमार अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करें। Thank you.
सुमंत जी, शीघ्र ही हमारे सब राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर राजमहल लौटने वाले हैं। गुरुदेव आते ही हो। लीजिए, गुरुदेव आ गए। प्रणाम गुरु। कल्याण हो राजन। राजन कहाँ हैं हमारे राजकुमार? हाँ राजन, बताता हूँ। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ इस आर्यवर्त का उज्जवल भविष्य, जो समस्त संसार की रक्षा करेंगे। राजन, मैं सर्वप्रथम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा राजकुमार शत्रुघ्न को। तुम्हारा कल्याण हो राजकुमार शत्रुघ्न। राजन, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आयुष्मान। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है राजकुमार लक्ष्मण। कल्याण हो आयुष। राजन, अब मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा राजकुमार भरत को। राजकुमार शांत चित्त प्रकृति के साथ साथ भक्ति रस की
उनके रूप में अवतरित हो। आओ आओ शाम राजन। हमारा राम कहाँ है गुरुदेव? अवश्य राजन, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा राजकुमार राम को। राम राम जय राजा राम, राम राम जय देखा कौशल्या, ये है मेरा राम, मेरा मेरा पुत्र, मेरा प्राण आधार। Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram, 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 Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram। मेरा राम, मेरा पुत्र राम, तुम्हें देखने को तो आंखें तरस गई थी पुत्र। देखा देखा कौशल्या, मेरा पुत्र अब पूर्ण युवा हो गया। गुरुदेव, ये सब आपकी ही कृपा है। तुम्हारा कल्याण हो।
चारों राजकुमारों की अद्भुत छवि अयोध्या वासियों समेत महाराज दशरथ और रानियों को आनंदित कर रही है। युवा अवस्था पाकर खिले हुए कमल के भांति चारों राजकुमार बढ़ रहे हैं। पूरी अयोध्या में खुशियां ही खुशियां छाई हुई। राजन, आपके ये चारों राजकुमार समस्त आर्यवर्त का भविष्य है। जी गुरुदेव, मैं अनुग्रहित हुआ। गुरुदेव, सब आपकी कृपा। निसंदेह राजन, आज मेरे इस घर में जो खुशियां छाई हैं सब आपकी कृपा का ही फल है। अवश्य राजन, अवश्य। ये चारों ही राजकुमार समस्त आर्यवर्त में शत्रुओं का नाश अवश्य करेंगे। जी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहे। अच्छा राजा, अब हमें हमारी कुटिया की तरफ प्रस्थान करने की आज्ञा दें। ये वो समय था जब रघुवंश में महाराज दशरथ के यहां भगवान श्री राम ने दुष्टों का दलन करने के लिए अवतार धारण किया था, क्योंकि लंकाधिपति रावण के अनुचर संपूर्ण आर्यव्रत में अपना प्रभाव स्थापित करते जा रहे थे। आर्य ऋषियों के आश्रम एक एक करके नष्ट करते जा रहे थे। चारों दिशाओं में रक्ष संस्कृति का प्रचार प्रसार फैल रहा था। ऐसा ही एक जनस्थान था नैमिषारण्य में सिद्धाश्रम, महर्षि विश्वामित्र का आश्रम, जिनके समीप ही ताड़का वन में निवास करते थे ताड़का और उसके पुत्र मारीच एवं सुबाहु
जिनके आतंक से संपूर्ण जनस्थान त्राही त्राही कर रहा था। अनेकों बार महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को भंग कर ताड़का और मारीच सुबाहु ने उस पूरे क्षेत्र को आक्रांत कर दिया था राक्षसों के भय से। कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाता था। मेरा नाम मारीच है। संसार मेरे हुक्म पर चलता है रात दिन, रहती है मौज 12 महीने और 7 दिन। भूमंडल पर नव मंडल पर आतंक हमारा चलता है। नाम हमारा सुन सुन कर वीरों का दम निकलता है। जिस तरफ भी आंख फेरी देवता तक डर गए। जिसको पकड़ा काल के पंजे में गोया फंस गया। जिसको जकड़ा वो रसातल तक जमी में धस गया। सैनिको एहू स्वभाव। आप यहां बैठे बैठे बातें ही बनाओगे या कुछ इधर उधर की घात भी लगाओगे? चलिए भ्रातश्री, जैसी आज्ञा आपकी। वो देखो सामने से धुआं उठता नजर आ रहा है। लगता है कोई तपस्वी यज्ञ रचा रहा है। चलो उसी ओर चलते हैं और उस तपस्वी का यज्ञ विध्वंस करते हैं। अरे बूढ़े बाबा, ऐसी क्या धुनी रमाई है जो अब तलक हमारे आगे दृष्टि तक नहीं उठाई है? बड़े मानधारी बाबा लगते हैं। अरे बाबा आंखें खोल, अरे कुछ तो बोल। क्या रे? बस करो दुष्टो, बस भाग जाओ यहां से, अन्यथा भी भस्म कर दूंगा तुम सबको। जाओ। निश्चर पापी
हरि बिनो पुत्रो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब कुशल मंगल हो जाएगा। मैं अपनी शक्ति से इन सब का नाश तो कर सकता हूं, परंतु क्रोध करने में मेरे तप का नाश हो जाता है। विचार शक्ति से ज्ञात हुआ कि रघुकुल में भगवान विष्णु ने मानव अवतार लिया है, इसलिए उचित यही है कि मैं अयोध्या जाकर कुछ दिनों के लिए दशरथ से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग लाऊं, उनके द्वारा दुष्टों का नाश भी हो जाएगा और मेरी ये कुटिया भी पवित्र हो जाएगी। हे वत्स, हम कुछ समय के लिए अयोध्या जा रहे हैं, तुम आश्रम में सावधानी पूर्वक रहना। कल्याण हो, कल्याण हो। महाराज, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि साम्राज्य में सुख और शांति का वातावरण है और निकट भविष्य में भी किसी शत्रु के आक्रमण की कोई आशंका नहीं है। महाराज, महाराज की जय हो। द्वार पर महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं। मुनि आगमन। हे सुमंत जी, हे महाराजा दशरथ, जाइए और आदर सहित सुस्वागतम महर्षि विश्वामित्र, सुस्वागतम। आपका आगमन अत्यंत प्रणाम। ब्रह्म ऋषि प्रणाम। आइए महर्षि विश्वामित्र,
आसन ग्रहण करें। कल्याण हो राजा, कल्याण हो। प्रणाम। प्रणाम महर्षि विश्वामित्र। प्रणाम प्रणाम। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। रघुवंश समृद्ध हो। हे ब्रह्म ऋषि, मैं आपका आभारी हूं। आपकी आत्मीयता से मैं आश्वस्त हुआ। आश्वस्त? भला आप जैसे महायोगी को मैं क्या आश्वस्त करूंगा और किस विषय में? राजर्षि, राक्षसों के कुपत्रों से तपोभूमि के निवासी बहुत कष्ट में है, बहुत कष्ट में। उनके अत्याचारों के चलते धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में बाधा होती है। ताड़का और उसके पुत्रों ने आतंक मचा रखा है। शीश रूप से आर्यव्रत। आप तनिक भी चिंता न करें ऋषिराज। यद्यपि तपोभूमि कौशल साम्राज्य की सीमा से बाहर है, तथापि मैं अपने सेनापति को अभी आदेश देता हूं कि सेना का एक विशेष दल लेकर। नहीं राजन, सैनिक अभियान ना तो उपयुक्त है और ना ही आवश्यक है। ठीक है महर्षि, मैं स्वयं इस अभियान के लिए प्रस्तुत हूं। आप आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। कल भोर होते ही। नहीं कौशल नरेश, नहीं। आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए लेने आया हूं। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से चिंतित हूं, घबराया। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। तुम अपने राम लखन दोनों सौंप दो मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुयश, कल्याण कीर्ति उन दोनों को।
हे मुनिवर, मैंने चौथेपन में इन राजकुमारों को पाया है। मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान मेरे, रणविद्या अभी नहीं जानते, लड़ने में अनजान मेरे। लो राज ताज संपत सेना, इसमें मुझको इनकार नहीं, आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ तकरार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पित हैं जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहें, सुत चारों चौथे पन के हैं। दशरथ, तो जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है, आ गया बढ़ापा जीवन में फिर भी माया में घूमता है, उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी समस्याएं, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, यदि आज शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी तुझसे ये भिक्षा तो दुख हुआ तुझे भी मुझको भी। हे राजन, मैं निराश हुआ, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अच्छा राजन, कर जा रहे हैं। कौशिक नंदन, कृपया क्रोध ना करें, निराश ना हो। पुत्र प्रेम मनुष्य की नैसर्गिक भावना होती है। आप महाराजा दशरथ की प्रतिक्रिया को अन्यथा ना लें, परंतु जिज्ञासा तो मेरे मन में भी है कि आपका ध्यान केवल राम लक्ष्मण और उनके दिव्यास्त्रों पर ही क्यों गया? हे ब्रह्म ऋषि, आर्यव्रत के राजनैतिक परिदृश्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रावण, लंका पति रावण मात्र कुबेर को लंका से भगाकर संतुष्ट होने वाला कदापि नहीं है। इस पूरे आर्य व्रत पर अपना अधिकार जमाना उसकी महत्वाकांक्षा है, इसीलिए उसने वारनराज बाली से संधि कर ली। हे महर्षि विश्वामित्र, ऐसी कुछ गुप्त सूचनाएं हमें अवश्य प्राप्त हुई। आपके आगमन से पूर्व मैं महाराज से उन्हीं का उल्लेख कर रहा था, परंतु
यदा कदा मिलने वाली सूचनाओं की पुष्टि करने के उपरांत ही तो। महामात्य, मेरे सूत्र पूर्ण रूप से विश्वस्त हैं। आप दक्षिण के मुनि अगस्त्य से संपर्क कर सकते हैं। हे ऋषिवर, इस वृहद घटनाक्रम में अयोध्या की क्या भूमिका हो सकती है? अयोध्या की भूमिका निर्णायक हो सकती है। हे राजन, मैं राम को इस अवश्य भावी संघर्ष में नायक के रूप में देख रहा हूं, वरना दो चार राक्षसों और पिशाचों को मारने के लिए मुझे स्वयं यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। इतना तो आप भी समझते हैं क्यों महामंत्री सुमंत। वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों का महर्षि विश्वामित्र का आंकलन सर्वथा तर्कसंगत है राजन। हमें महर्षि विश्वामित्र की दूर दृष्टि की सराहना करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। यदि महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को इतना महत्व दे रहे हैं तो ये ना केवल राज परिवार के लिए अपितु समस्त आर्यवर्त के लिए गर्व का विषय है। राजन, आपके निर्णय पर समस्त आर्यवर्त का भविष्य निर्भर करता है। जैसी गुरुदेव की इच्छा। हे महर्षि, मैं राम लक्ष्मण के रूप में अपना सब कुछ आपको सौंप रहा हूं। इस विश्वास के साथ कि आपके संरक्षण में उनका सदा सर्वदा कल्याण हो। अवश्य राजन, ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहें। हे सुमंत जी, आप प्रिय राम और लक्ष्मण के प्रस्थान की शुरुआत करें। जैसी महाराज की आज्ञा। उन्हें यहां लेकर अति आदर दो, तने बुला अति आदर दो, बैठे बुला आसन राम जय राम।
हे पुत्र राम, आज से महर्षि विश्वामित्र तुम्हारे पूज्य, उनका हर आदेश तुम्हारे लिए मान्य। कुछ समय के लिए अब तुम्हें महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना। राजन, आप चिंता ना करें, आपका कल्याण होगा। राम की कीर्ति पूरे संसार में फैलेगी, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। आओ पुत्र राम, चलो हमारे साथ। कल्याण हो, कल्याण हो। प्रणाम। यहां से मेरी कुटिया को दो मार्ग जाते हैं। पहला मार्ग सुलभ है परंतु बहुत लंबा है। हमें आश्रम तक जाने में कई दिवस लग जाएंगे। और दूसरा मार्ग छोटा है परंतु वहां भयंकर राक्षसों का निवास है,
भय है, खतरा है। हे गुरुवर, तुम कौन से मार्ग से चलना चाहोगे? हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें राक्षसों का कोई भय नहीं। आप कृपया करके छोटे मार्ग से ही चलिए। ठीक है पुत्र, आओ चले। देखो, वो सामने देखो, वो उधर घोर ताड़ का वन है, जहां पर ताड़ का राक्षसी निवास करती है। हमें यहां अत्यंत सावधान रहना होगा। आओ मेरे साथ, मेरे साथ आओ। ऋषियों का और आर्य मनुष्यों का शिकार किया करते थे। तड़का 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 तड़का
Tarda, tarda, tarda. ताड़का के अनुचर ऋषियों को पकड़कर उन्हें घसीटते हुए ताड़का के सम्मुख लात पटकते हैं। राक्षस, मानव भक्षी राक्षस, Thank you.
मार दो, नोच दो इसको, नोच, देखो पुत्र, नोच, वो है दुष्ट, राक्षसी, पिशाचनी तारका, तुम्हें इसका वध करना है, परंतु गुरुदेव, ये तो एक स्त्री है। रघुवंशी गौ ब्राह्मण और स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाते। राम, ये मेरी आज्ञा है, तुम्हें इसका पालन करना है और इसका वध करना है। बाण चलाओ राम। परंतु गुरुदेव, ये तर्क का समय नहीं है राम, बाण चलाओ और इस दुष्टा का वध करो। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम ने एक ही बाण से दुष्ट राक्षसी ताड़का का वध